सबको चंदा देना पड़ेगा। जो गरीब है 100 रुपए महीना दे दे, जिसके पास थोड़ा ज्यादा 1000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 10000 दे दे, जिसके पास और ज्यादा 1,00,000 रुपए महीना दे दे, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। का बैन किया है, इस्लामिक स्कूल को बैन करना है, कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से किया जा रहा है। और गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया है कि वो जो एंटी टेरर लॉज हैं उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे, अनाउंस करेंगे, और ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है इसको खत्म करने के लिए, और वो हुकूमत को स्वीपिंग पावर्स देंगे कि किसी भी शख्स को 2 साल के लिए वो डी रेडिकलाइजेशन के लिए पकड़ सकते हैं। अगर वो समझते हैं कि बंदा जो है वो रेडिकलाइज हुआ है तो उसको वो पकड़ सकते हैं। और इसका जो नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड के लिए किया जा रहा है श्रीलंका के अंदर, खवातीन ज्यादा पहनती थी बुरके, और उनके जारी बात है यंग लड़कियां भी पहनती थी बुरका, और जारी बात है हेड कवरिंग्स जो खवातीन पहनती हैं उसके डिफरेंट हैं। मैं इसकी जब आपसे बात करने के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, बुरका एक होता है जो फुल बॉडी कवर होता है, फिर निकाब है, हिजाब है, चादर है, शयाला है, अल अमीरा, खिमर, ये मुख्तलिफ कल्चर्स के हिसाब से है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ मोमेंट ऑफ कंसर्न, मैं उस पर बात करता हूँ कि मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो उनको किस तरह दुनिया देख रही है, उनके अंदर उनको दुनिया देख किस तरह रही है, उनका लेंस किस लेंस के जरिए दुनिया उनको देख रही है। मेरा ख्याल है मुसलमानों ने अभी तक इसके ऊपर सोचना शुरू नहीं किया। आप देखें कि यूरोप के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर रिसेंटली जो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जिस तरह स्विट्जरलैंड के अंदर उन्होंने बुरका बैन किया, एक मुआशरों के अंदर एक गुस्सा बढ़ रहा है, और वो गुस्सा क्यों बढ़ रहा है इसकी ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर अभी डिस्कशन होनी शुरू नहीं हुई मुसलमान सोसाइटीज के अंदर, कि ये जो जहां जहां मुसलमान हैं उनको इस लेंस से क्यों देखा जा रहा है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं, वो ऐसे क्या वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म फैला रहे हैं, क्या वो दूसरे मुआशरों के लिए इतने काबिले कबूल क्यों नहीं है। और इस्लाम तो नफरत का दर्स नहीं देता, तो ये कौन लोग हैं जो नफरत का दर्स देते हैं? कोई भी मजहब नफरत का दर्स नहीं देता, कोई भी इस बबले में बात नहीं करता कि हमें दूसरों को मार देना चाहिए। सो मेरा ख्याल है कि इस हवाले से जो एक मैसिव डिस्कशन होनी चाहिए वो कोई नहीं है मुसलमानों के अंदर। लेकिन एक जो मुझे फील होता है कि मैंने देखा, और मैं समझता हूं कि एक अगर मुसलमानों ने अपने तौर तरीके ना बदले दुनिया में रहने के, और जिस अंदाज से देखें, हमने देखा है कि जी वो कहते हैं जी चर्च में जो लोग इन्वॉल्व, जिन हमलों में इन्वॉल्व थे वो इस्लामिक स्टेट थे। अब इस्लामिक स्टेट को या अलकायदा को या दहशतगर्द जमातों को इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि वो जब इस तरह की दहशतगर्द की कार्रवाइयां करते हैं तो मुसलमानों को फिर क्या क्या उसके मसाइल देखना पड़ते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं देखूं कि इस वक्त जो मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाइयां हो रही हैं, ये बहुत सारी लेजिटिमेट कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें कोई ज्यादती नहीं हो रही, ये कोई किसी के साथ जुल्म नहीं हो रहा। देखें हमें जो है वो दूसरे मजहब की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों की मुआशरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और ये जो हमारे अंदर एक मुसलमानों के अंदर एक पर्सपेक्टिव है कि नहीं हमें हर एक को फतह कर लेना है, कंकर कर लेना है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। और श्रीलंका के अंदर देखें कि वहां पे क्रीमेशन भी हो रही थी, और वो खैर डिस्कशन मैंने पहले कर चुका हूं, जब उस गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है तो मुसलमानों के अंदर गुस्सा था जी कि हमें क्यों इस तरह जो COVID-19 के पेशेंट्स हैं उनको इस तरह किया जा रहा है। सो ये देखना है कि ठीक है गवर्नमेंट ने वो लॉ चेंज कर दिया, और जाहिर बात है हर इंसान को हक है कि वो अपनी मर्जी से जिस तरह दफन होना चाहे या जो भी वो कहे, लेकिन जो हमें जिसकी चीज के लिए बड़ा केयरफुल होना चाहिए कि जिस इतनी बड़ी आबादी के अंदर थोड़े से मुसलमान है एंड दे आर गेटिंग अ सोर्स ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर दी अदर्स। सो मुसलमानों का काम ये है, मुस्लिम जो कम्युनिटीज है उनका काम ये है कि अगर वो अपने इर्द गिर्द एक्सट्रीमिस्ट देखें, दहशतगर्द देखें, वो मसाजिद में हैं, वो मुआशरे के अंदर हैं, तो उनको इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाए।
अगर हम उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, हम उनको हुकूमत को नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा। अभी जो राजा पाक्सा की जो गवर्नमेंट आई 2019 में, उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप देखिए ना, तकरीबन 22 मिलियन जो है वो मुसलमान है श्रीलंका के अंदर, जो कि एक बड़ी सिन्हालेसी जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी उसके साथ रहते हैं, और वो जो कम्युनिटी है वो उसको ये फैसला करना पड़ा। क्यों ये फैसला करना पड़ा? क्योंकि श्रीलंका के मुसलमानों ने अपनी चंद एक दो चार छह लोगों ने, 10 लोगों ने, 50 लोगों ने इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि वो जो बाकी बेचारे मुसलमान हैं उनके लिए भी जिंदगी जो है वो मुश्किल आ गई। और अब वो कहते हैं जी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, हम बड़े बड़े कानून लेके आ रहे हैं, और वो कहते हैं, और बातें उनकी बिल्कुल ठीक है, आई कंप्लीटली एग्री विद द श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑन दिस थॉट कि भाई हाउ कम आप जो है वो 1000 मदरसा जो है वो बनाते हैं और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो ही नहीं करता। अब देखे ना, जो स्कूल्स हैं उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। आप एक मर्जी से अपना कहीं पे भी एक मदरसा खोल लें, एक वहां पे अरबी पढ़ानी शुरू कर दें और कहना शुरू कर दें जी कि नहीं ये इस्लामिक वैल्यूज हैं। आपको किसी भी दुनिया में, अगर आपने दुनिया में कोई भी तालीम हासिल करनी हो, 12 साल की ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन हासिल करते हैं, जिसमें आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, सोशल साइंसेस पढ़ते हैं, आप कल्चर पढ़ते हैं, इंटरफेथ हार्मनी एंड डायलॉग पढ़ते हैं और मजाहब के बारे में पढ़ते हैं, एक जनरल स्टडी पढ़ते हैं, और 12 साल के बाद आप जाके जो है वो कोई भी स्पेशलाइजेशन करना चाहें, आप कोई आलमे इस्लाम बनना चाहें, आप हिंदू को बनना चाहें, आप ईसाइत में कहीं जाना चाहें, आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी करना चाहें, लेकिन 12 साल की ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन है। लेकिन ये मुसलमानों का ये जो मदरसा सिस्टम है, इसमें पहले दिन से आप बच्चे को स्कूल में डाल देते हैं और उसको कहते हैं भाई तुमने पूरी जिंदगी यही पढ़ना है। भाई उसको तो पूरी दुनिया को तो पता ही नहीं है, उसको उसको तो समझ ही नहीं है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो उस नटशेल के अंदर घुस गया। जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी आप आराम से जो है वो इस्लामिक स्टडीज पढ़ाना शुरू कर देते हैं, इस्लाम को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप जो बाकी एक जो नॉलेज होता है या डिस्कशन होती है या जो एजुकेशन होती है वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है। टेक्निकली वो जो बच्चे हैं वो बाकी सारी सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं। अच्छा, ये चीज फ्रांस में नोट की गई है कि वो जो बच्चे हैं वो सारे के सारे कट ऑफ हो जाते हैं मुआशरे से, वो मिलगुल नहीं सकते जब वो क्योंकि उन्होंने वो उनका तो वर्ल्ड व्यू डिफरेंट होता है। So, मदरसे के बच्चे का वर्ल्ड व्यू ही कंप्लीटली डिफरेंट है, उसको इस चीज का अंदाजा ही नहीं है कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है। सो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस हवाले से ये जो फैसला किया है कि हमने ये जो मदरसा है इनको मेन स्ट्रीम करना है, अगर हम इनको मेन स्ट्रीम नहीं करेंगे, अगर हम इनको गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने कमर चीमा ज्ञानचंद्र को सुना, आप समझ सकते हो कमर चीमा इतना गजब का जिहादी है, लेकिन जब से ये इंडियन मीडिया पर आकर बैठने लगा है, इंडियन व्यूअरशिप इसको देखने लगी है, तो ये थोड़ा थोड़ा सेंसिबल बातें करता है। आपको बता दें, अगर यही बैन इंडिया में लगा होता ना तो पाकिस्तान शायद UN तक चला जाता कि मुसलमानों पर जुर्म हो रहे हैं। यही अगर मदरसा को लेकर कोई एजुकेशन पॉलिसी अगर इंडिया में लाई जाती, आपको पता वैसे भी लाई गई है योगी गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये लोग वहाँ तक पहुँच जाते। हालांकि अभी एक फेक न्यूज़ किसी ने ट्वीट किया था, मतलब फेक अकाउंट से, कि मदरसे में पढ़ाई जाएगी रामायण और ये महाभारत और ये और वो, उसको पाकिस्तानी मीडिया ने दिखा दिया था। आपको बता दूं उसके उस पर पाकिस्तानी मीडिया ने वीडियो बना दिए थे, तो आप समझ सकते हो फेक न्यूज़ पर ये इतने वीडियो बना सकते हैं, तो ये क्या हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हो दोस्तों। हालांकि इस वीडियो में कमर चीमा ने काफ़ी सेंसिबल बातें की, लेकिन ये इतना सेंसिबल बंदा है नहीं। ये ऐसी सेंसिबल बातें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती हैं। आपको पता है हमेशा कहीं अगर टेररिस्ट अटैक करते हैं, टेररिज्म में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन अगर टेररिस्ट का धर्म पता चल जाता है तो लोग कहते हैं टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। हर बार एक ही धर्म निकलता है, लेकिन हर बार यही साबित किया जाता है कि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। तो ये वाला लॉलीपॉप बहुत समय से लोगों को चूसने के लिए दिया गया
गया है और बहुत लोग चूस भी रहे हैं और इसी बात पर बिलीव करते रहते हैं। लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ था लास्ट, आपको याद होगा जब शायद गुड फ्राइडे था, 300-400 लोग शायद मारे गए थे, बहुत मतलब बहुत बहुत दर्दनाक तस्वीरें थी, यहाँ तक कि वो आपने उनकी जीजस की जो मूर्ति थी उसमें तक ब्लड के छींटे पड़े हुए थे, मतलब बहुत दर्दनाक तस्वीरें थी, वो देखने लायक मतलब बड़ा दर्दनाक तस्वीरें थी। तो उन तस्वीरों को देखने के बाद डेफिनेटली श्रीलंकन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो सोच रही होगी कि हाँ जो लोग इतना रेडिकलाइज हो रहे हैं, ये मतलब काफिरों को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उन्होंने एक्शन लिया है। और यही एक्शन अगर इंडिया में होता तो डेफिनेटली ऐसा नंगा नाच होता पाकिस्तान में और जो मुस्लिम कंट्री है, जो कि समझ सकते हो आप। अब यहाँ पर ये अरब देशों को भी ब्लेम कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ब्लेम एक ही चीज़ को किया जाता है, वो पता है आपको क्या है, एक्चुअली में सोच होती है, एक्चुअली में बचपन से सिखाया जाता है। जैसे अब इन लोगों के कारण, मैं एक्चुअली में एक बात और बोलना चाहूँगा, इन लोगों के कारण आज जो थोड़ा बहुत हिंदू मतलब थोड़ा बहुत कट्टर हो रहा है तो वो इन लोगों के कारण हो रहा है, क्योंकि आपको भी पता है एक्शन का रिएक्शन होता है और वो एक्शन का रिएक्शन आज दिख रहा है। क्योंकि हिंदू भी आजकल, पहले तो नॉर्मली हिंदू आराम से मस्जिद जाता था, अब आजकल हिंदू कहे मैं मस्जिद क्यों जाऊं, जब सामने वाला ही मंदिर नहीं जाना चाहता, उसके धर्म में ये हराम है तो मैं मस्जिद क्यों जाऊं, हिंदू भी आजकल ये क्वेश्चन करने लगा है। तो केवल इन लोगों की वजह से है, और ये चीज़ें आज से नहीं, ये चीज़ें बरसों से हैं दोस्तों। आपको भी पता है भारत में इतने सारे मंदिर तोड़े गए, तो ये चीज़ें बड़े बरसों से हैं। अफगानिस्तान का जो दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिस्ट स्टैचू था बामियान, आपको पता होगा वो तक तोड़ दिया गया, वो कैसे बनाया गया होगा।